नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार जगत। केंद्र की भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का। इसी विषय पर आज प्रातः 10 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग की चेयरमैन शोभा ओझा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन के साथ स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, खेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री अरविंद बागड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय पर विशाल जंगी प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शन की वजह यह है कि 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश में भारी वर्षा से हुई फसल बर्बादी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई राहतकारी कार्यवाही नहीं की गई। देखिए, हमने किसानों को जिस तरह से केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण तरीका अपना रही है, उसे अब राशि नहीं दी जा रही है जो उसका अधिकार है। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ क्यों कर रही है ये वो जाने, पर दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर पे किसानों को लेके बोले प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नौटंकी कर रहे हैं कि किसानों को परेशानी तो आपकी सरकार द्वारा ही हो रही है। कमलनाथ जी तो लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे लगे हुए हैं, राहत मिले, किसानों को राहत पहुंचाने में भी लगे हुए हैं, और इसलिए हमने कमिश्नर को आज ज्ञापन दिया है कि किसान जिस तरह से अतिवर्षा के कारण उनके फसलें खराब हुई हैं, तो उन्हें राहत केंद्र सरकार राहत दिलाए, उन्हें राशि प्रदान करे, इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन दिया कमिश्नर को। मैम, इसके आगे क्या रणनीति रहेगी सरकार की? देखिए, अगर केंद्र सरकार अभी भी हमारे प्रदेश को राशि नहीं देते हैं दी तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे और उन्हें राशि देना पड़ेगी, क्योंकि वो तो प्रदेश का अधिकार है। देखिए, पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन था, उन 15 सालों में 6 से 7 साल तक UPA केंद्र में थी। उस समय जितना फंड मध्य प्रदेश को चाहिए था बीजेपी सरकार को दिया गया, और उसके बाद बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर भारी भ्रष्टाचार करा। पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही उसमें भी भारी जो फंड आया मध्य प्रदेश में उसको लूटा गया बीजेपी के द्वारा, और अब जो ईमानदारी से काम करने वाली कमलनाथ सरकार है वो लगातार जो जनता के हित में काम कर रही है उनके फंड को रोका गया है। अभी जितनी नेशनल हाईवे गड्ढे हो रहे हैं, खराब हैं, बुरी स्थिति रोडों की है, उसके लिए 250 से 350 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, लेकिन 1 रुपया भी बजट का आज तक सेंक्शन होकर नहीं मिला है। और इसी तरह बाढ़ पीड़ितों के लिए जो रुपया मांगा गया था, जो बजट राशि मांगी गई थी, वो भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका साफ मतलब है कि मोदी सरकार दोगला व्यवहार कर रही है, हार की खींच निकाल रहे हैं, और उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के द्वारा, कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है। अभी बीजेपी सरकार के द्वारा भी कांग्रेस के खिलाफ MP में भी एक मोर्चा निकालने वाले हैं लोग, जिसमें कलेक्टर ऑफिस जाएंगे वो, तो उसमें आपका क्या कहना है? उसमें तो सीधा कहना है कि शिवराज जी हमें माफ़ करो, मध्य प्रदेश की जनता ये बोल रही है। यही वो शिवराज सिंह चौहान है जो मंदसौर गोलीकांड के हीरो हैं, यही वो शिवराज सिंह चौहान है जिनके कारण मध्य प्रदेश में हजारों किसानों ने आत्महत्या करी, यही शिवराज सिंह चौहान है जिसने खेती को बर्बाद कराया, सोयाबीन की खेती समाप्त हो गई है। तो वो सरकार जिसने किसानों को सड़क पे ला दिया है, किसानों को रास्ते से लगा दिया है, वो किसानों के आक्रोश की बात कर रही है। इनको तो माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए, किसानों से सत्ता से बेदखल कर चुके हैं, किसानों ने ही सत्ता से बेदखल करा है, और आज जो सरकार है वो कमलनाथ सरकार किसानों की सरकार है। अब आपकी सरकार का क्या रणनीति रहेगी? निश्चित तौर पर हम किसानों के साथ हैं, प्रदेश की जनता के साथ हैं, और अगर बजट नहीं मिलता है तो दिल्ली में प्रदर्शन होगा, धरना होगा, और लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसके अनुसार मांग की जाएगी। परेशान है, सबसे बड़ी बात किसान के साथ साथ नगरी प्रशासन और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हरेक का बजट कम किया गया, और जो धनराशि देना थी वो नहीं दे पा रहे हैं, ये एक चिंता की बात भी है। और साथ ही मोदी जी हमेशा कहते हैं सबके साथ सबका विकास, तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि उनका विकास और रंगा बिल्ला का विकास, ये स्थिति है जो आज है। अच्छा पटेल साहब, क्या लगता है, एक तरफ आप मोदी जी से पैकेज मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर सड़क पर उतर रही है पूरे प्रदेश भर में, तो आखिर सच्चाई क्या है, किस तरह से किसानों की स्थिति? देखो, किसानों को जो कर्ज माफ की बात थी उसमें काफ़ी हद तक कर्जा माफ किया है, चूँकि ये जरूर सच्चाई है
कि धनराशि की कमी है, खजाना खाली भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जो कमलनाथ जी ने बेहतर तरीके से पहले 50,000 तक, फिर लाख तक, फिर 2 लाख तक के भी कुछ किसानों को माफ़ किया, कुछ बाकी है जो अतिशीघ्र जिसको पूरा कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह देश में सबसे बड़ा अगर किसी ने फैसला लिया है किसी राज्य में तो मध्य प्रदेश ने, और उसमें यह उन्होंने काफ़ी हद तक पूरा किया और करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो है जादुई आंकड़ा जो कि बहुमत का है उसको लेकर कवायद तेज है, पवई में एक सीट फिर रिक्त हुई है। शिवराज जी कह रहे हैं कि जिस नियमों के तहत रिक्तता दिखाई गई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वो गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, आखिर किस तरह से आने वाले दिनों में क्या एक और उपचुनाव देखने को मिलेगा? देखो, विधानसभा अध्यक्ष ने और नियम कानून को प्रक्रिया को पूरा करके ही ये फैसला लिया, और जिस प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि आप जनता की अदालत के रूप में फिर से चुनाव होगा, जो झाबुआ में हमारा चुनाव हुआ उसका रिजल्ट क्या आया, निश्चित ही दिन प्रतिदिन हरियाणा का देख लो वोट का प्रतिशत बढ़ा, हर जगह स्थिति वो हुई है कि बेहतर तरीके से व्यवस्था। एक आखिरी सवाल, अब नगर निगम के चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे यानी कि पार्षद ही महापौर बनेंगे, तो क्या उम्मीदें हैं अब जो कांग्रेस की सेकेंड लेयर है, या आप भी कई बार निगम चुनाव को लेकर नाम चल चुका है, क्या तैयारी करेंगे आप भी मैदान? नहीं, मैं कहीं से कहीं तक उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं तो ये उम्मीद करेंगे हम सब मिलकर, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर बेहतर परिसीमन हो और अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए, और मध्य प्रदेश में और खासतौर से इंदौर में कांग्रेस की परिषद बने, ये हमारा सबका प्रयास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार जगत।